हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कम्पटेटिव टारगेट क्लासेस में। साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो आपको आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा बीपीएससी 68 का पीटी में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे आपको साइंस से जुड़ा हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा, जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना। तो आज का वीडियो है 7th चैप्टर, कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। आगे है कार्य वर्क। कार्य किसे कहते हैं? कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। सेकेंड है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। थर्ड, कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक देखिए, न्यूटन मीटर, और ये हो गया kgms-2 × m। आगे देखते हैं, कार्य का cgs मात्रक gcm²s-2 = arg। आगे 1 जूल = 10^7। कार्य का बीमा mlt²t-2। कार्य एक अदिश राशि है। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कार्य का। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। सेकेंड देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति 10 kg का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। और देखते हैं, अगर कोई कूली 100 kg का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। फाइव नंबर देखते हैं, किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। इसका नोट है, नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे है ऊर्जा एनर्जी। फर्स्ट देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सेकेंड है, सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग है। थर्ड, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। आगे देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर है गतिज ऊर्जा, और सेकेंड नंबर है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। तो आगे देखते हैं, गतिज ऊर्जा,
गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, एवं द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर भी वेग से गतिशील है तो आगे है द्रव्यमान। यह द्रव्यमान, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर MC स्क्वायर, जहाँ E पदार्थ में निहित ऊर्जा और M पदार्थ का द्रव्यमान, C प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। आगे दिया हुआ है कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जा दिया हुआ है। तो फर्स्ट है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य ही है। सेकेंड है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है, इसका विखंडन अथवा संलयन कर इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। आगे है ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि भी उत्पादित होती है जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज आवाज़ करती हुई वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियों के शीशे चटक जाते हैं। किसी के बोलने के व्युत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दों भी कंपन करते हैं जिससे हम ध्वनि को सुन सकते हैं। आगे है रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न तत्वों पर व पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा व्युत्पादित होती है, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आगे है प्रकाश ऊर्जा, विभिन्न प्रकाश स्रोतों, सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक सेल सौर कुकर में, हरे पौधे अपना भोजन निर्माण में। ठीक है, आगे उसमें ऊर्जा, विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे उसमें ऊर्जा कहते हैं। आगे है संवेग, संवेग किसे कहते हैं? संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग, E बराबर mv। संवेग का एसआई मात्रक kg ms माइनस 1, E का बीमा mlt माइनस 1। संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा का यहाँ उदाहरण दिया गया है। फर्स्ट है तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। सेकेंड है दबा हुआ गद्दा। थर्ड है हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर। छत से लटका हुआ पंखा। आकार में बदलाव के कारण शरीर में प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे देखते हैं, कलाइव स्प्रिंग को दबाने या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। आगे है बांध में भंडारित पानी, चावी वाली घड़ी या खिलौना,
तना हुआ गुलेल। आगे गतिज ऊर्जा के उदाहरण, जमीन पर दौड़ता लड़का, चलती हुई बस या ट्रेन, रनवे, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण या यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। फर्स्ट है, छत पर दौड़ता लड़का, चलता हुआ पंखा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती हुई पतंग। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति। आगे है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यहाँ दिया गया यंत्र और उसके ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, विद्युत सेल का देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन डायनमो विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत मोटर का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, बारिश स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। आगे दिया हुआ है आवेग, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है, अर्थात आवेग बराबर बल गुना समय। आवेग का एसआई मात्रक होता है एन गुना एस के जी एम एस माइनस वन। आवेग की बीमा एम एल टी माइनस वन। आवेग सदिश राशि है। आगे दिया हुआ है नोट, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है जिससे समय का मान बढ़ता और लगने वाला बल घटता है जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर हो गया कार्य बटा समय। यहाँ से आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यांत्रिक ऊर्जा। सेकेंड देखते हैं, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है? किसकी अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हल्के पिंड की। थर्ड नंबर देखते हैं, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्थितिज ऊर्जा। फोर्थ नंबर देखते हैं, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, कितना होता है? 746 वाट। फाइव नंबर देखते हैं, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य है, किया गया कार्य? इसका आंसर हो जाएगा सी शून्य। सिक्स नंबर देखते हैं, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा बी आंसर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। सेवन नंबर देखते हैं, एक किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए 36 गुना 10 के पावर 5 जूल।
ये सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, 2021 में बीपी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आगे भी पूछने की संभावना है, तो आप लोग जरूर याद कर रखना ये सब। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो 9 नंबर देखते हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, संवेग संरक्षण। 10 नंबर देखते हैं। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है? वह अदिश है। ठीक है, आगे 11 नंबर देखते हैं। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभिक मान से 2 गुना। 12 नंबर देखते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की विस्थापन के होती है, क्या होती है? दिशा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर देखते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यांत्रिक ऊर्जा। 14 नंबर देखते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग पी एवं द्रव्यमान एम हो तो पी एवं एम में एम पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारी पिंड का। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर देखते हैं। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो, उसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। 18 नंबर देखेंगे। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, क्या होती है, कितनी होती है दक्षता बराबर होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एन बराबर 100%। 19 नंबर देखते हैं। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर देखते हैं। जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में, दोनों गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में रहती है। 21 देखते हैं। जब आप एक कोइल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ गति स्थितिज ऊर्जा है, तो यह बढ़ती बढ़ती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। 22 नंबर देखते हैं। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है, इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, निश्चित रूप से नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता है। 23 नंबर देखते हैं।
एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी न्यूनतम। 24 नंबर देखते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संवेग। इसका आंसर हो जाएगा बी संवेग। ये देखिए आईएएस प्री में 1995 में पूछा गया। 25 नंबर देखते हैं, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, क्या हो जाती है? चौथाई। इसका आंसर हो जाएगा डी चौथाई। ऐसे ही आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को देखें, और हमारा वीडियो अगर पसंद आए इसे ज़रूर लाइक करना, और हम जो हमारे चैनल पर नए हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।